अरे परनी बखत परे की आवात, अरे जोश तो होगो मेरी तहवंती के, नलो करे रो पिंगुला करा से। देखिए बस पूछ ले बाबा होटल जाए के कहोगी पतिया बाद, तुम पतिया वाले बाबा होटल को पूछ जाओ, मैं बहुत होशियार रहे इन बातों में, मैं बता देंगे क्या हो। अरे परनी सुनियो कान लगाई, अरे रेडियो सेंटर मेरे परमा जी को चेतपुर में तीजो सावा। ऐसा है आप और मैं जा रहा हूँ, इतना ही ध्यान रखोगे भगवान से नहीं लगाती रहोगी? नहीं तो ले आऊंगी, पर अगर छोरा है अगर तुम्हारे क्या करोगे तुम? क्या करूँगा? सुनो बोलो तुम कौन हो? पर ना मेरे एक बच्चा ना सोने लियो, ध्यान देके सुन रही है पागल ना पड़े। कहिए अरे दुल्हा मेरे एक बच्चा ना सोने लियो, अरे जाको बलम भूली मत जइयो, अरे परनी मेरे जिया राके भेद बताए दे, अरे नलके जिया राकू तो समझ आए दे। एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। वो कौन सा? लाला तो जनूंगी। हाँ मारू जनूंगी, अरे बाला को ठोनुरी करूंगी, दस टन तुम्हें करने पड़े हो मुझे। हाँ अरे हरेंद्र गुप्ता जी से कहोगो जितना पैसा लगेगा दस टन में, नहीं पे तो खर्च करवाए लूंगो। क्या बात है हरेंद्र बाबा जी, गुप्ता जी हमारे कमी में नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। अरे मैं रहता हूँ उनसे पैसा खर्च करवाऊंगा, डटो तुम कहोगे क्या करवा दूंगा। नहीं उनसे क्या करवाऊंगी? अरे हरेंद्र बाबू के ढंग में जाऊंगी, कुर्ता टोपी लल्लू को मंगवाऊंगी। अच्छा हाँ बिल्कुल अच्छी बजे नहीं, और क्या करूंगी? क्या करोगी? और सहजादी मंडी को नोटा भिजवाऊंगी, और हरी सादली पर नोट के जमाऊंगी। यानी उन पर? हाँ उनको नोटा करवाऊंगी। नोटा करवाओगी? और एक काम और करूंगी। क्या? बुलवाऊंगी भी नहीं पैसे ना पछु मंगवाऊंगी। अरे फिर मैं फतियाबाद को जाऊंगी, अरे नरसी रेडियो को बजावाऊंगी, जमुना गली बहुत मशहूर दुकान है नरसी रेडियो की। अच्छा अच्छा सजना जियना हाथ की बात, अरे सत जन्मों के कन्या दुला किया करमान खेती मेरी। ठीक है मैं जा रहा हूँ रंगमती और कोलू चलाऊंगा। तुम कोलू चलाओगे? हाँ तो आपका जो आप ध्यान रखिए ना, कोलू मत उले घर डोने आओ करियो। ठीक है हाँ। आप किस बात की चिंता मत करो, एक तो तुम ज्यादा मोटे हो, तुम्हें नाल काल को लालो ना, तुम हमारे हरेंद्र कुमार गुप्ता जी है तो तुम्हारे शरीर से घुस जाएंगे, अरे तो संजय को निकल आवाज दे दे तो रहे करो वैसे कोई। ठीक कह रही हो तुम, जाओ तुमने ये देखभाल कर ली है। और गुड्डू सेठ तो बिनू तो ज्यादा पत्ते छह महीना तो जगत ही ना।
अब मुझे क्या होना चाहिए? प्यारी रानी और श्रेया के पास पहुंचना चाहिए। मैं भी उसे कहूंगा जाके, देखिए मैंने यारी गर्भ की बाजी बदी है, देख ली है, और यारी ईश्वर से प्रार्थना कर, यानी भगवान के भजन करे से और लड़का पैदा होना चाहिए। ए रानी सोनिया, अरे कई बार देखो आज हमने यानी बदन बदी है, राजा लाल में और मुंह में मुझसे यानी बातचीत हुई है और सार फांसे खेले तो गर्भ की बाजी हुई थी। क्या सार फांसे खेले? हाँ किस साथ के? देखिए ये बाजू बदी है, यानी मेरे लड़का हुआ और उसके लड़की हुई, तो उसकी लड़की के साथ में मेरे लड़का की यानी शादी हो जाएगी। अगर उसके लड़का हुआ और तुम्हारी लड़की हुई तो सोच लो वो अपने लड़के की शादी और हमारी लड़की के साथ में कर ले जाएगा। क्या महाराज? हाँ ऐसी बदन बदी है? बिल्कुल। क्या महाराज सुनिए, सुनाओ। अरे सजना मेरी सोनी ली जावा पूरी, अरे सजना मेरी सोनी ली अरे आवा पूरी, अरे सत जना बागी ना जना मोगी छोरी, माता बोल रही बानी मेरी पते बेरतार तुम्हारानी। अरे सजना प्यार ही परना निभाऊं, अरे प्यारे संग में गोल में गा, से लगाइयो अरे अपने पुरचा से लालो एक दैयो, अरे मेरे सासुल के नदलाला। क्या बात है बोलिए रानी। अरे नाने खबर जाबो कोले ते तकी, अरे का सुत जलावे गाबेरे। पति महाराज बोलिए। बोलिए श्रद्धा। हाँ देखिए मैं तो यही दुआ देता हूँ कि आपको पुत्र होना चाहिए। ठीक है महाराज, जो आप कहते हो उसका मैं पर आपसे निभाऊंगी। ठीक है, इधर में होता क्या है कि जब रानी दुमैती को नवा महीना होने को आ जाता है, इधर गर्भ की कुछ पीड़ा उठने लगती है, तो अपने बांदी को बुला करके और क्या कहने लगी। अरे बांदी बोले क्या बात है? एक बात है हरी बहन। अरे बहन आपने मैं क्यों बुलाई हो, क्या बात है? अरे बांदी मेरी सोनिया रिया मेरा दवारी, यहाँ ना मेरे कोई दौरानी दिखानी। बहन रानी तो ना पाले की देर ना लगियो, यहाँ मेरा घर नहीं है, दिल अपने काम को हाल सुनियो। आज मेरा हेरा मुश्किल जीना, पूरो भयो मेरो नवो महीना। बहन आज मेरा गर्भ का नवा मास पूरा हो रहा है। अच्छा? कुछ मेरे हल्की हल्की पीड़ा होने जा रही है। बहना मेरी साथ कहो तो शिवानी, हाँ गोरा धारे गो मुख
पूता तो सीरो पानी भेना जियरा धरत ना वीर हाँ महारानी मेरी सासु नंद कोई घर हती ना ने इतना होती है जंती की मेरे रानी तुमको रही समझ आए संग बाली रेगी सुना प्यारे चिंता करियो बात काऊ की हाथ तो मेरे ढूंढा के प्रेमी हो इधर में परमात्मा की दुआ से रानी दुमेती के फुलवारे में बच्चा पैदा होता है इधर में पिंगुल में बाग में एक तोता पैदा होता है उसका नाम उसी दिन सेमर वाला तोता नाम से पुकारा जाता है इधर में पिंगुल में और एक ऊंटनी के ऊंट पैदा होता है और उधर में कुलवारे के अंदर तो ढोक पर पैदा होता है बुध के यहाँ रानी श्रोणा के और धन मारू पैदा होती है और होने क्या लगा रानी दुमेती अपनी सब सहेलियों को बुला करके आज गंगो तेलिन को बुला करके अपने महलों में मंगलाचार करवा रही है तो कैसे करवा रही गुप्ता जी और बाओ बाओ रे लला जियो जियो रे लला बाओ बाओ रे लला जियो जियो रे लला आगरे से रेल आई बा मेरा चक्की ये बात भी पसंद नहीं आई क्योंकि आज मेरे देश नगर में बच्चा पैदा होता तो जाने क्या क्या मैं कर डालती अभी और खड़ी हो जाओ मेरे पास आ जाओ खाने पीने के लिए तो बनेगा अभी हाँ और लड़ुआ चटपटे सोती के लड़ुआ चटपटे सोती के जे बरमा जी मांगे एक लड़ुआ मो बरमा जी मांगे एक लड़ुआ मो पे आदू चला जाए रे लड़ुआ चटपटे सोती के लड़ुआ चटपटे सोती के जे गुप्ता जी मांगता एक लड़ुआ 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 वो बया दंतरो न जाए रे लड़ुआ चटपटे सोती के लड़ुआ चटपटे सोती के एक लड़ुआ मालिक की जी जी मांगे किनकी एक सिंह की जे उस्ताद मांगे आदो लड़ुआ जे मास्टर मांगे आदो लड़ुआ वो पे नादो उठाया न जाए रे लड़ुआ चटपटे साथ के
दिलीप मांग तने कलरुआ जे दिलीप मांग तने कलरुआ मन पापू को ललचाए लरुआ चटपटे सौती के लरुआ चटपटे सौती के। अरे वानी बोले मरने क्या दे एक बात और सुनेगी। अरे कोई मांगे मेरा घर नहीं है ये कुलवार है बच्चा पैदा। अच्छा आपके इच्छा किसी और चीज है। अरे काय में करूंगी जी सौदा। अरे हमारे थोलगा पर कटोरा तो बड़ा सा बाहों में गजी नहीं होगा। अरे कोई मांगे हाय करे या न दे हमारो मनु लपसी पे कोई मांगे करे या न दे हमारो मनु लपसी पे। तू बानी सुना बाग को जाया। हाँ और क्या बात है सुदामा बाग को बानी मेरी जाया। अच्छा जी बिल्कुल जाऊंगी। गोता जी से मांग के लाओ हमारो मनो लपसी पे कोई मांगे नैया न दे हमारो मनो लपसी पे। ए हां आ गए तुम रानी दमाती। हां देखिए तुम्हारी खबर मेरे पास गई कि महलों में लड़का पैदा हुआ है इस वजह से और कुलवारे को ढील करके मैं तुम्हारे पास आया। अभी एक और बात सुनोगे? बोलो। तुम्हारे मन की इच्छा तो पूरी है गई। मन की इच्छा मेरी पूरी हुई। हाँ और तुम्हारा मन क्या है? मन हाँ सुनो बोलो सुनो एक ना। हाँ ऐसा है बोलो। अपना नरवर तो है नहीं केवल हम हैं और तुम हैं और जब सेठ के घरवार यहाँ आवे तो तुम क्या करोगे? क्या करूँगा? और घर में और मेल बेली राजा घरु ना लुटाई दियो। घर में अकेली बलमा घरु ना लुटाई दियो। घर ना लुटाई दिया घर ना लुटाई दिया। घर में अकेली दुला घर ना लुटाए दियो। और क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हो? ससुरा जो आवे सैया भाई बगदाए दियो। ससुरा जो आवे सैया भाई बगदाए दियो। चरुआ धराई मेरी मैया को बुला लियो। घर में अकेली बलमा घर ना लुटाई दियो। ससुरा जाया मैं प्यारे बिने बगदाए दूंगो। देवे बुलाऊंगा पप्पू की मम्मी है बुलाए लूंगो। अरे जागा तो पप्पू कर देंगे। एक बात है पप्पू तुम जानते नहीं हमारे पप्पू ने एक दुकान खोल ली है। वो कहाँ खोली है? हमारी कैसेट की अधिकतर विक्रेता गुंजन म्यूजिक सेंटर फतेहाबाद रोड कुंडल। बहुत बड़ी दुकान खोली है कुंडल पर। हाँ इतनी कैसेट सेल कर रहे हैं जो अपनी तो हाँ तो कोई नहीं करे हो वैसे। और पप्पू और क्या बोल रहे हैं तो अच्छी सेल होती है और अच्छा काम भी होता है। देवर वाले बलमा बहु बगदाए दियो। देवर वाले राजा देरी न चढ़ने दियो। सती धेराई मेरी बहना को बुलाई लियो। घर में अकेली राजा घर ना
अकेली सैया जरूर ना लुटाई दियो। अब ठीक है गई तुम्हारी मन की? ठीक है, ये मन की हमारी इच्छा पूरी हुई। हाँ। और किसी बात की चिंता नहीं। अब मैं यहाँ से खबर आया बुधवार भेजूंगा। अच्छा, कि बुधभाटी हमारा लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम मैंने ढोलकुंवर रखा है। महाराज आज थोड़ी मुझे याद आती है। वो कौन सी? किसी दिन हमारी क्या समय थी। हाँ। और आज क्या समय भगवान ने फेर दिए, तुम्हें याद भूल गई लेकिन मुझे वही याद आ रही है। वो कौन सी? सुनो, और गयो मुकद्दर फूटी और पटकी दो इंदुर नेरी कोड़ा। तुमसे राजा इंदु से बैर हो गया। हाँ हाँ, उस दिन राजा इंदु ने तुम्हारे ऊपर शनिदेव का वासा कर दिया। शनिदेव बारह साल के लिए हमारे साथ नरवन में क्या कर डाला? क्या किया? अरे पटकी दो इंदुर नेरी कोड़ा, और तीर रही ना तलवार रहो ना प्यारो कट्टर सॉरी घोड़ा। महाराज बच्चा तो ईश्वर ने दे दिया लेकिन घोड़ा और कोड़ा के तुम्हारा आज तक पता नहीं है कहाँ चला गया बेचारा। तुम तो घोड़ा और कोड़ा ही कह रही हो। क्यों नहीं कहूँ? वो दिन मुझे भी याद आ रहा है। तुम्हें तो भूल गई महाराज, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी उस दिन को। बिगाड़ी गई नरवर की रे काया, बाद न नरवर लग गई आग छिनक में हाक भई रे माया। अधिकतर विक्रेता मनोहर म्यूजिक सेंटर बाहर उठ फतेवा। और क्या है मुखिया महाराज? हाँ, अरे बिगड़ गया नर मेरे कितना ख्याल आ रहा है प्रणाम। भैया नहीं नभे नभे गयो पत्थर कोरी किलो। तुलसी जितने घर वाली तेरे किसी ने बात नहीं पूछी। मिलो न अन्न पियन को नहीं मिलो पाइल। याद है तुमको दिन? याद है। रानी पति उस टाइम पर तीन का मुंह पता निकले थे हमारी क्या तक के अधिक विक्रेता बाबा होटल फतेहबाग। और क्या हुआ प्राणा? क्या हुआ? हाँ, और एक जगह और है, वर्मा रेडियो सेंटर जयपुर निवासी। अच्छा, वो भी क्रेडिट के अधिकतर विक्रेता है और चाहने वाले हैं। और मेरे साथ क्या कर डाला तुम्हारे घर वालों ने? दुमेती घर घर मेरे डोली। महाराज। हाँ हाँ, याद है तुमको? याद है, याद है। तुम्हें ती घर घर मेरे डोली, मोए दोन अन्न उधार नारे कोई मोती ना बोली।
तुम्हें भाभी ने फटकारा, बाद न गयो भैया के पास बिरन ने मोटू तोरी मारो। बंधु ये हमारा आज ढोला का प्रोग्राम आप मंथन कैसेट के द्वारा शेरिलाल एन हेल सिंह पार्टी के द्वारा आपको सुनाया जा रहा है। और हुआ क्या महाराज, जब नरवर में कोई नहीं हुआ तेरी हम सिया नगर आए, तुम्हारे यार के यहाँ आ जाते हैं। हाँ हाँ गए थे यार के यहाँ, सिया नगर आए। अरे मनसुख देवर ने बलमा मेलन में ठहराए, पीवे दीनो दूध दूध के कर डाले लो। अरे ध्यान है बना हमारी कैसे के अधिक विक्रेता जमुना गली फतेहाबाद नरसी ट्रांजिस्टर और हमारी नरसी वालों की दुकान पे बढ़िया से बढ़िया टीवी ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्ड स्टेबलाइजर और हर तरह की हमारी मंथन की कैसेट आपको मिलने की एकमात्र स्थान है। और आइए बंधु क्या होता है, बात मेरी ना पतबो झूठी। उस दिन की बात बिल्कुल सच है प्रणव, मत मानो झूठी। प्यारे आखिर देखत की बात हार को मिल गई पूरी। बात ना मानन नगर